बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज क्रिमिनोलॉजी के लेक्चर में हम इंटरनेशनल पुलिस और पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस पे बात करेंगे और आज की हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरपोल। द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कॉमनली नोन एज इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स वर्ल्ड वाइड पुलिस कोऑपरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का मुख्तसर नाम इंटरपोल है और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया की पुलिस के दरमियान कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का काम करती है और उनको क्राइम कंट्रोल करने में हेल्प करती है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल इज इन लियोन, फ्रांस एंड इट वाज फाउंडेड बाय जोहान्स श्कोबर इन 1923 एट वियना, ऑस्ट्रिया। इट्स करंट प्रेसिडेंट इज अहमद नासिर अल रईसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। The General Assembly of the governing body and it brings all members countries 194 together once a year. इनकी एक General Assembly है और इस General Assembly में तमाम 194 countries के नुमाइंदे हैं और ये साल में एक दफा इनकी meeting होती है और वहां पे ये important decision making जितनी भी है ये उस एक plenary meeting में करते हैं। The General Secretariat coordinates day-to-day activities to fight a range of crimes. इनका एक जनरल सेक्रेटेरिएट है और ये रोजमर्रा के काम और एक्टिविटीज को लुक आफ्टर करता है। दिस जनरल सेक्रेटेरिएट इज रन बाय द सेक्रेटरी जनरल एंड इट इज स्टाफ्ड बाय बोथ पुलिस एंड सिविलियंस। प्रेजेंटली जॉर्जन स्टॉक, अ जर्मन पुलिस ऑफिसर, इज सेक्रेटरी जनरल। इंटरपोल हैज सिंगापुर ऑफिस एंड देन हैज सेवरल सैटेलाइट ऑफिस इन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसकी इंटरपोल की। इन ईच कंट्री एन इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो पॉपुलरली नोन एज एनसीबी प्रोवाइड्स द सेंट्रल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर द जनरल सेक्रेटेरिएट एंड अदर एनसीबीज। जो 194 मेंबर कंट्रीज हैं, हर मेंबर कंट्री में इंटरपोल का एक ऑफिस है जिसको नेशनल सेंट्रल ब्यूरो कहते हैं और ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो जिस मुल्क के अंदर हो उसी मुल्क की पुलिस इसको ऑर्गेनाइज कर रही होती है। तो ये बाहर से स्टाफ कोई नहीं आता इसका, जिस मुल्क के अंदर ये नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है उसी मुल्क की पुलिस इसको मैन करती है और इसको मैनेज करती है और यहाँ पे सारा ऑफिस उसको मेंटेन करती है। एंड एनसीबी इज रन बाय द नेशनल पुलिस ऑफिसर्स एंड यूजुअली सिट इन द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिसिंग। और इसका किसी भी मुल्क के अंदर जो एनसीबी है उसका दफ्तर उस मिनिस्ट्री के अंदर होता है जो पुलिस को हैंडल कर रही होती है। तो पाकिस्तान में एनसीबी जो है ये एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के अंदर है और वहां से इसको बैठ के ऑपरेट किया जाता है। द जनरल सेक्रेटेरिएट प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ एक्सपर्टीज एंड सर्विसेज टू द मेंबर कंट्रीज। जनरल सेक्रेटेरिएट जो इंटरपोल का है वो बहुत सी खिदमत सर अंजाम देता है और जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको बहुत सी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है, एनेबलिंग देम टू फाइट अगेंस्ट द क्राइम। इंटरपोल मैनेजेस 18 पुलिस डेटाबेसेस। सबसे बड़ी जो इसकी काम है वो इसके पास बहुत वसी किस्म के डेटाबेसेस हैं और 18 किस्म के डेटाबेसेस हैं जो इनसे वो एनसीबीज को हेल्प करता है, मुख्तलिफ कंट्रीज को हेल्प करता है विद इंफॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स। तो इनके पास क्राइम और क्रिमिनल्स के डेटाबेसेस हैं बहुत वसी किस्म के और 18 डेटाबेस ये मैनेज कर रहे हैं और ये डेटाबेसेस जो है वो क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफ द एक्यूज्ड, देयर फिंगरप्रिंट्स एंड द स्टोलन पासपोर्ट्स और इस तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स किसी के गुम हो जाते हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रेवल, उन सब का डाटा इन्होंने अपने पास रखा हुआ है ताकि उसको उसके यूज करके क्रिमिनल तक रसाई हासिल की जा सके। एक्सेसिबल इन रियल टाइम टू कंट्रीज, और ये जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज हैं उनको ये 18 के 18 डेटाबेस रियल टाइम में अवेलेबल होते हैं। अगर किसी एनसीबी को इंफॉर्मेशन की जरूरत हो तो रियल टाइम में उसको वही इंफॉर्मेशन फौरी तौर पर उनको मिल जाती है और उस इंफॉर्मेशन को यूज करके वो फिर अपना क्राइम फाइट करने का काम करते हैं। इंटरपोल ऑफर्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट सच एज फोरेंसिक्स, फोरेंसिक एनालिसिस एंड असिस्टेंट इन लोकेटिंग फ्यूजिटिव्स अराउंड द वर्ल्ड। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल्स हैं उनको ट्रेस करने में और उनको अरेस्ट करने में इंटरपोल हेल्प करती है। फर्ज करें एक शख्स पाकिस्तान में है, वो एक क्राइम कमिट करता है और क्राइम कमिट करने के बाद पाकिस्तान से वो ट्रेवल करके किसी दूसरे अफ्रीकन कंट्री के अंदर चला जाता है,
तो पाकिस्तान की पुलिस बियॉन्ड देयर टेरिटोरियल कैपेसिटी वो ऑपरेट नहीं कर सकती, तो फिर वो इंटरपोल से राबता करके जिस कंट्री के अंदर वो मुलजम हो वहां की एनसीबी से राबता करके वहां से उसको ट्रेस करती है, वहां से उसको अरेस्ट करती है, और अरेस्ट करने के बाद वो फिर अपने मुल्क में वापस ला के उसके खिलाफ वो कितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो उनको फॉलो करते हैं। अगला बड़ा काम जो इंटरपोल करती है, दैट इज ट्रेनिंग is an important part in many areas so that officials know how to work efficiently with Interpol services. तो ये training का काम भी करते हैं, मुख्तलिफ countries के लोगों को training देते हैं ताकि तमाम दुनिया की police एक coordination के साथ एक दूसरे के साथ काम करके एक efficiently policing system जो है वो चला सके। Interpol तीन बहुत बड़े इनके जो है scope है, इनका expertise है इनकी, वो तीन मुख्तलिफ क्राइम के सिलसिले में है। दिस एक्सपर्टीज सपोर्ट्स नेशनल एफर्ट्स इन कॉम्बैटिंग क्राइम्स अक्रॉस थ्री ग्लोबल एरियाज कंसिडर्ड द मोस्ट प्रेसिंग टुडे। और ये तीन जो ग्लोबल एरियाज है कोऑपरेशन के इंटरपोल के, वो है टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ये तीन एरियाज हैं, स्पेसिफिक एरियाज हैं जहां इंटरपोल हेल्प करती है और इन तरह के क्राइम को सुप्रेस करने में कंट्रीज का साथ देती है। Officials working in these specialized areas run a variety of different activities including investigative support, और ये मुल्कों को investigative support देते हैं, field operation करने में उनको assistance देते हैं, training देते हैं और उनकी networking करते हैं। ये चार different areas हैं, इन तीन areas के अंदर चार different fields हैं जिनमें ये countries को help करते हैं, that is in investigative support, field operations, training and networking. Interpol keep an eye on the future through research and development in international crime and trends. तो अगला इसका काम ये है, function ये है कि ये research करते हैं और future trends जो है crime के वो develop करते हैं, जो international crime के जो future trends होते हैं उनके बारे में ये analysis करते हैं और ये countries को forewarn करते हैं कि ये इस तरह का crime जो है वो आपकी country के अंदर हो सकता है। For example, एक organized gang है जो African किसी country में काम कर रहा है, तो ये उसको जब सारा का सारा डेटाबेस में उसका इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो उसको एनालिसिस करेंगे, तो फिर ये फ्यूचर ट्रेंड्स बता सकते हैं जिन जिन कंट्रीज के अंदर उस तंजीम ने मुस्तकबिल में कोई कार्रवाई करनी हो या प्लान किया हो करना, तो ये उन कंट्रीज को फोरवार्न करते हैं। तो इस तरीके से ये रिसर्च के जरिए इंटरनेशनल क्राइम ट्रेंड्स के एनालिसिस करते हैं और उन मुल्कों में जहां उस तरह का क्राइम होने का इम्कान हो उसको फोरवार्न करते हैं। Pursuant to its charter, Interpol seeks to remain politically neutral. एक इसका जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि ये पॉलिटिकली न्यूट्रल है, ये किसी ऐसे केस में इंटरफियर नहीं करते जो पॉलिटिकल नेचर का हो। As it is barred from interventions or activities of a political, military, religious or racial nature. तो जो पॉलिटिकल क्राइम है या जो मिलिट्री से रिलेटेड चीजें हैं या जो रिलीजन से रिलेटेड चीजें हैं या उनमें इंटरपोल मुदाखलत नहीं करती, आर इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन डिस्प्यूट्स ओवर सच मैटर, या इस तरह के अगर डिस्प्यूट्स हों तो उसमें इंटरपोल जो है वो दखल नहीं देती। द एजेंसी ऑपरेट्स इन फोर लैंग्वेजेस, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। रोल क्या है इंटरपोल का? इंटरपोल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आर्टिकल टू स्टेट्स दैट इट्स रोल इज टू एंश्योर एंड प्रमोट द वाइडेस्ट पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंट बिटवीन ऑल क्रिमिनल पुलिस अथॉरिटीज विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ एग्जिस्टिंग इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड इन द स्पिरिट ऑफ यूनाइटेड यूनिवर्सल डेक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी पुलिस को जो एग्जिस्टिंग लॉज होते हैं उन कंट्रीज के, उनको हल सॉल्व करने में या उसके तहत उनको ये हर किस्म की पॉसिबल म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। और पर्पस इसका ये है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो भी हैं वो एक स्पिरिट है जिसके तहत ये काम करते हैं, सो दैट एवरीवन शुड हैव फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। टू एस्टेब्लिश एंड डेवलप ऑल इंस्टीट्यूशंस लाइकली टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू द प्रिवेंशन एंड सुप्रेशन ऑफ ऑर्डिनरी लॉ क्राइम। दूसरा, ये तमाम इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करना, तमाम कंट्रीज को हेल्प करना ताकि वो अपने मुल्क के अंदर जो ऑर्डिनरी लॉ है उसको उसके तहत जो क्राइम होते हैं उनको प्रिवेंट करें, उनको सुप्रेस करें। तो बेसिकली इसका पर्पस इज टू एनेबलिंग द पुलिस ऑफ एवरी कंट्री सो दैट दे मे फाइट अगेंस्ट द
क्राइम इन अ बीफिटिंग manner, उसमें प्रिवेंशन कर सकें और उस क्राइम को सुप्रेस कर सकें। आर्टिकल 3 फॉरबिड्स द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरटेक एनी इंटरवेंशन और एक्टिविटीज ऑफ ए पोलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर। तो आर्टिकल 3 के तहत ये किसी ऐसे क्राइम में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, ना ये उसको असिस्ट कर सकते हैं किसी भी कंट्री को, ना हेल्प आउट करेंगे जिसकी नेचर पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, रिलीजियस हो या रेशियल कैरेक्टर हो उसका। इंटरपोल इज नॉट अ सुपरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी एंड हैज नो एजेंट विद अरेस्टिंग पावर। इंटरपोल के पास कोई स्ट्राइकिंग फोर्स नहीं है। बाज लोगों को यह गलतफहमी है कि इंटरनेशनल इंटरपोल के पास अपने इन्वेस्टिगेटर्स होंगे, अपनी पुलिस होगी और ये किसी मुल्क में भी जा सकते हैं और वहां जाके किसी अक्यूज को भी अरेस्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इट इज नॉट अ सुपरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। इसका कोई एजेंट नहीं है, इसने जब भी ऑपरेट करना है। इंस्टेड इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फंक्शंस एज अ नेटवर्क ऑफ क्रिमिनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। ये डिफरेंट कंट्रीज के अंदर इनके नेटवर्क है जिसके तहत ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं। तो इसका कोई सुपर नेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी नहीं है, इसका कोई एजेंट नहीं है, इसके पास कोई स्ट्राइकिंग फोर्स नहीं है, इसके पास कोई इन्वेस्टिगेटर्स नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेशन करने की एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। द ऑर्गेनाइजेशन दस फंक्शंस एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव लायजान अमंग द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज एंड मेंबर कंट्रीज, प्रोवाइडिंग कम्युनिकेशन एंड डेटाबेस असिस्टेंट mostly through its central headquarter in Lyon. तो ये एक administrative liaison करती है और इसका purpose जो है वो communication करना, database provide करना, information share करना, तो इस तरह का काम है इसका। तो ये organization जो है ये administrative liaison के लिए बनाई गई है। Interpol का सबसे अहम जो contribution है towards fighting against the crime is the databases. Interpol databases at the Lyon headquarter can assist law enforcement in fighting international crime. National agencies have their own extensive crime databases. The information rarely extends beyond one nation's border. होता यह है कि हर मुल्क का अपना एक क्राइम डाटा होता है और ये क्राइम डाटा कभी भी उस मुल्क की बाउंड्री से बाहर किसी के साथ शेयर नहीं होता। तो इंटरपोल ने अपने डेटाबेस इसलिए बनाए हुए हैं ताकि ये मुख्तलिफ मुल्कों के साथ इसको शेयर कर सकें और इंफॉर्मेशन शेयर करके उससे क्राइम को फाइट करने में दूसरे मुल्कों को हेल्प दे सके। Interpol database can track criminals and crime trends around the world, specifically by means of authorized collection of fingerprints and face photos, list of wanted persons, DNA samples and traveling documents. So, बहुत किस्म के databases हैं इनके पास, जिसमें fingerprints हैं, जिसके लिए face photos हैं, face recognitions हैं, wanted persons की सारी information है इनके पास, DNA samples हैं मुख्तलिफ लोगों के और travel documents हैं। तो जितने भी दुनिया में ट्रेवलिंग हो रही है, जिस जिस एयरपोर्ट से लोग जा रहे हैं, तो इनके साथ सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है और जैसे ही क्रिमिनल्स की मूवमेंट होती है पूरी दुनिया में कहीं भी, तो वो इनके रडार पे वो चीजें आती रहती हैं। इंटरपोल लॉस्ट एंड स्टोलन ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स डेटाबेस ऑल्सो कंटेन्स मोर देन 12 मिलियन रिकॉर्ड्स। तो एक बहुत बड़ा डाटा इनके पास है, दैट इज कॉल्ड लॉस्ट एंड स्टोलन ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में जब भी किसी शख्स के डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं, तो उसकी एक रिपोर्ट इंटरपोल के पास चली जाती है और वो फिर इसको अपना रिकॉर्ड में मेंटेन करते हैं और जैसे ही वो स्टोलन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो किसी और जगह मिसयूज होने का इम्कान हो तो उसको भी ये अंडर वॉच रखते हैं। ऑफिशियल्स एट द हेडक्वार्टर ऑल्सो एनालाइज दीज डेटा एंड रिलीज इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम ट्रेंड टू दी मेंबर कंट्रीज। तो इनके साथ दूसरे मुल्कों के साथ ये क्राइम एनालिसिस को शेयर भी करते हैं, उनको फॉरवर्ड भी करते हैं। इंटरपोल वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एन इनक्रिप्टेड इंटरनेट बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनके पास अपना एक इंटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो क्रिप्टेड है एंड अलाउज इंटरपोल एजेंट्स एंड द मेंबर कंट्रीज टू कॉन्टेक्ट ईच अदर एट एनी टाइम। तो ये 24 घंटे एक दूसरे के साथ रबते में होते हैं, ये 24/7 इनका नेटवर्क है वो अवेलेबल रहता है। किसी भी मुल्क को इनके नेटवर्क से डेटाबेस में से कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसको रियल टाइम के अंदर वो डेटाबेस में से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाइल द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो आर द प्राइमरी एक्सेस साइट्स टू द नेटवर्क, सम मेंबर्स कंट्रीज हैव एक्सपेंडेड इट्स की एरियाज सच एज एयरपोर्ट्स एंड बॉर्डर एक्सेस पॉइंट्स। तो दो तरह की इंफॉर्मेशन इनके पास जाती है, एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो से इंफॉर्मेशन इनके पास जाती है जो कंट्रीज में जो ऑफिसेज हैं
नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के, वो इनके साथ शेयर करते हैं। दूसरी, एयरपोर्ट्स के ऊपर जो जो भी मूवमेंट हो रही होती है या बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स के ऊपर जो ट्रेवलिंग हो रही होती है, उसका डेटाबेस भी इनके पास, इंटरपोल के पास जाता है। मेंबर कंट्रीज कैन ऑल्सो एक्सेस ईच अदर्स क्रिमिनल डेटाबेस वाया 24/7 सिस्टम। तो ये जो मेंबर कंट्रीज हैं वो भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और उनके 24 घंटे उनके क्राइम डाटा तक वो एक्सेस ले सकते हैं। तीन बड़े स्फीयर हैं जहां पे इंटरनेट जो है वो ऑपरेटिंग मॉडल के अंदर तीन बहुत बड़े इनके हेड्स हैं जहां पे ये काम करते हैं। नंबर वन इज दी काउंटर टेररिज्म, या यू कैन से टेररिज्म। तो एक तो इनका ये प्रोसेस है कि ये टेररिज्म में ये हेल्प आउट करते हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज में और टेररिज्म की रोकथाम में इनका एक ये टेररिज्म का है। दूसरा इनका इस साइबर क्राइम के सिलसिले में ये है, और तीसरा इनका स्फीयर जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम, और ये खास तौर पे ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इसके अंदर इनके पास पुलिस डेटा मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, इसके पास फ्रेंसिक सपोर्ट है, इनके पास क्रिमिनल एनालिसिस है, इसके पास प्रोजेक्ट है जिसमें, और इसके बाद कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग, जो मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग है इनकी, और उसके बाद कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर इनका है जहां से ये डाटा शेयर करते हैं, और फ्यूजिटिव्स इन्वेस्टिगेटिव सपोर्ट, ये दूसरे मुल्कों को क्रिमिनल को जो इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प करते हैं। तो ये वो चीजें हैं जहां पे इंटरपोल जो है वो अपने मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट करती है। इन तीन एरियाज के जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, दैट इज द काउंटर टेररिज्म, इसमें असिस्टेंट मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड डिसरप्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज थ्रू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल नेटवर्क एंड एफिलिएट्स, और उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड एंड इमर्जिंग क्राइम के अंदर टारगेटिंग एंड डिसरप्टिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल नेटवर्क्स, आइडेंटिफाइंग एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्रिमिनल थ्रेट्स, और साइबर क्राइम के अंदर मेकिंग साइबर स्पेस सेफ फॉर ऑल बाय सपोर्टिंग मेंबर कंट्रीज टू प्रिवेंट एंड इन्वेस्टिगेट साइबर अटैक्स। तो ये तीन बड़े स्फीयर हैं जहां पे इंटरपोल अपने मेंबर कंट्रीज को हर तरह की सहूलत फराहम करती है ताकि काउंटर टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम और साइबर क्राइम से इफेक्टिव तरीके से वो कंट्रीज और निपट सकें। इंटरपोल के तहत जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है उसमें करप्शन, काउंटरफीट करेंसी, जहां जब भी इंटरनेशनल गैंग्स काम कर रहे हो काउंटरफीट करेंसी में, जैसे फेक काउंटरफीट डॉलर्स है या काउंटरफीट यूरोस हैं, या फिर क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जिसमें चिल्ड्रन की अबडक्शन और चिल्ड्रन को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाना, ट्रैफिकिंग बच्चों की उस सिलसिले में, और कल्चरल हेरिटेज के खिलाफ जो क्राइम है वो इनके सब्जेक्ट मैटर में है। साइबर क्राइम एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इस पर बहुत ज्यादा टची है। ड्रग ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग इनके रडार पे है, और जो इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग में लोग मुलव्वस होते हैं ये उनको ट्रैक करते हैं। एनवायरमेंटल क्राइम एंड फाइनेंशियल क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम में ये मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह की जो चीजें हैं उस पे ऊपर ये बड़ी सख्ती के साथ उसके लोगों के रडार पे है, जो खास तौर पर वो फाइनेंशियल मनी लॉन्ड्रिंग या फाइनेंशियल क्राइम जिसने सब्सिक्वेंटली आगे जाके किसी साइबर क्राइम में या किसी जगह पे टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व होना है, तो ये उनके सब्जेक्ट मैटर में है। फायर आर्म ट्रैफिकिंग में इंटरनेशनल आर्म्स की स्मगलिंग इनके सब्जेक्ट में है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये बहुत ज्यादा है इनका, विमेन ट्रैफिकिंग खास तौर पे, विमेन जो प्रोस्टिट्यूशन के लिए ट्रैफिकिंग की जाती है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे पाकिस्तान से यूरोप सेटल करने के लिए लोग किश्तियों में भर के लेके जाते हैं, तो इस तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ये इनका है। इलिसिट गुड्स, जहां पे नॉन कस्टम पेड गुड्स हैं उनका इलिसिट, मैरिटाइम क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये बहुत इफेक्टिव है आपकी जो इंटरपोल है। हर तरह का इंटरनेशनल क्राइम्स है जिसमें प्रोस्टिट्यूशन के लिए है, जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए है, जिसमें नारकोटिक्स है, जिसमें बाकी इस तरह की चीजें हैं, तो उनमें ये बड़ा क्रैकडाउन है और उनके पास बहुत ज्यादा इस तरह के एनालिसिस भी हैं और बाकी चीजें भी। टेररिज्म ऑब्वियसली इज बर्निंग इशू फॉर एवरीबॉडी, और इनका एक टेररिस्ट का डेटाबेस भी इनके पास बना हुआ है। व्हीकल क्राइम यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा है, एक कंट्री से क्राइम जो है वो चोरी होता है व्हीकल, और उससे सब्सिक्वेंटली बहुत से मुल्कों में घूम फिर के किसी और तीसरे मुल्क में चला जाता है। वार क्राइम, तो ये चीजें हैं जो इनके एरिया ऑफ कोऑपरेशन में है, और इसमें ये बड़े सेंसिटिव हैं और बाकी सारी किस्म की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। इनका तरीकाकार जो है एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने का, दैट इज थ्रू देयर नोटिसेस। तो आपने ये लफ्ज़ सुना होगा इंटरपोल नोटिसेस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका नोटिस है दैट इज द रेड नोटिस। रेड नोटिस इशू किया जाता है टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन, अगर किसी शख्स की गिरफ्तारी मतलूब हो
उसके लिए रेड नोटिस जारी किया जाता है, और अगर फर्ज करें पाकिस्तान ने कोई बंदा क्राइम कमिट करके और वो अफ्रीका के किसी कंट्री में चला जाए, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो यहाँ का हमारा एनसीबी है उसको कह के उसके रेड नोटिस जारी करा देगी, और रेड नोटिस उस कंट्री में चले जाएंगे जहां वो शख्स जाके छुपा हुआ है, तो उस मुल्क की पुलिस इस रेड नोटिस पे उसको गिरफ्तार कर लेगी और इस मुल्क के हवाले कर देगी जिसकी तरफ से वो क्राइम कमिट करके आया है, और इसका पर्पज होता है एक्सट्राडिशन करवाना उसको। और इसके बाद अगला नोटिस है, इसका है ब्लू नोटिस है, और ब्लू नोटिस इज टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन आइडेंटिटी लोकेशन आर एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्राइम। फर्ज करें किसी शख्स ने क्राइम कर दिया है, लंदन में क्राइम कर दिया है, और उसका किसी न किसी तरीके से ताल्लुक पाकिस्तान के साथ भी बनता है, तो वो ब्लू नोटिस पाकिस्तान की एनसीबी को आ जाएगा कि इस शख्स के बारे में हमें मजीद मालूमात इसके रेजिडेंशियल एड्रेस से इकट्ठी करके दें। ग्रीन नोटिस इज टू प्रोवाइड वार्निंग एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्संस हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड आर लाइकली टू रिपीट दीज क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। बाज दफा ये होता है एक मुल्क में एक शख्स क्राइम करके भाग गया है और वो किसी दूसरे मुल्क में तीसरे मुल्क में जाके पनाह ले ली है, तो उस सिलसिले में फिर उसके ग्रीन नोटिस इशू किए जाते हैं ताकि मुल्कों को आगाह किया जा सके कि ये फला मुल्क में क्राइम करके आया है और ये आपके मुल्क में भी इस तरह का क्राइम कर सकता है। देन इज द इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये ब्लू कलर का होता है, ये यूएन का कलर है। उसके बाद येलो नोटिस इज इशू टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन। अगर कोई शख्स गायब हो जाए और उसके वेयर अबाउट्स का पता ना चले तो उसके लिए फिर इंटरपोल येलो नोटिस इशू करता है। ये येलो नोटिस जैसे ही 194 कंट्रीज में जाते हैं तो वो अपना सारा डेटाबेस देख के बताते हैं कि इस शख्स के कभी उस उनके मुल्क में आना हुआ है या नहीं आना हुआ, अगर आना हुआ है तो वो कहाँ पे है, तो इस तरीके से ये लोकेट किया जा सकता है मिसिंग पर्सन को बाई यूजिंग द येलो नोटिस। देन इज द ब्लैक नोटिस, ब्लैक नोटिस इज इशू टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज बाज़फा मिल जाती हैं और वो उनकी अगर शनाख्त ना हो सके तो फिर उनके लिए ब्लैक नोटिसेस जारी किए जाते हैं। ये ब्लैक नोटिसेस भी उसी तरीके से 194 कंट्रीज को जाते हैं, वो फिर 194 कंट्रीज अपने अपने डेटाबेसेस को देख के इंटरपोल को बताते हैं कि उनके रिकॉर्ड में इस तरह का शख्स है या नहीं है, या ये उन मुल्कों का नेशनल है या नहीं है, तो इस तरीके से बाज़फा डेड बॉडीज जो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज है वो इंटरपोल के जरिए आइडेंटिफाई हो जाती है। ऑरेंज नोटिसेस, ऑरेंज नोटिस इज टू वार्न ऑफ एन इवेंट अ पर्सन एन ऑब्जेक्ट आर अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस एंड इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ये बाकायदा थ्रेट नोटिसेस होते हैं, अगर किसी तरह के किसी टेररिज्म की कोई थ्रेट हो या किसी और बड़े ऑफेंस की कोई थ्रेट हो तो ये अपने मेंबर कंट्रीज को जिन जिन को ये थ्रेट हो उनको आगाह करने के लिए ये ऑरेंज नोटिसेस जारी करते हैं। पर्पल नोटिसेस टू सीक प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन बॉर्डर्स एंड बराडाई ऑब्जेक्टिव डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज बाय क्रिमिनल। तो क्रिमिनल जिस तरह का तरीका वारदात इस्तेमाल करते हैं, अगर किसी ने टेररिज्म करनी है तो उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर किसी ने काउंटरफीट करेंसी बनानी है उसके लिए क्या तरीका इस्तेमाल हो रहा है, अगर किसी ने किसी के बोगस ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो वो क्या तरीका इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह से उसके मॉडल सुप्रेंटाई के बारे में ये तमाम मुल्कों को बताते हैं। तो ये सारे के सारे नोटिसेज हैं जो इंटरपोल यूज करता है फॉर सर्कुलेटिंग इन्फॉर्मेशन, फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, और या दूसरे मुल्कों को किसी किस्म की अगर कोई थ्रेट हो तो उसके आगाह करने के लिए। तो ज्यादा कॉमन इनका जो है, सारे के सारे नोटिसेज इनके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द रेड नोटिस। और रेड नोटिस जो है वो अगर कोई मुल्जम एक मुल्क में वारदात करके भाग जाए, किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, तो उनको लोकेट करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए ये रेड नोटिसेस इशू किए जाते हैं। तो दीज आर दी नोटिसेस, इस नोटिसेस के जरिए वो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर अबाउट इंटरपोल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, खुदा हाफिज।